फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, जब भी नए शो आने होते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि स्टारों की खबर आनी शुरू हो चुकी है कि ये उस प्रोडक्शन के साथ जुड़ने वाले हैं, शो का नाम सामने आ गया है, कहानी सामने आ गई है। हम बहुत सारी इस तरह की न्यूज़ पढ़ते रहते हैं और आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो ऐसे में जो है काफ़ी खबरें सामने आ रही हैं कि भाई स्टार प्लस पे बहुत सारे नए शो आने वाले हैं। ऐसे में गुम है किसी के प्यार के प्रोड्यूसर का नया शो आने वाला है, जिसका नाम हमने आपको विद पिक्चर में बता दिया था। दीवानियत जो है शो का नाम होने वाला है। किसी ने कहा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे जुनूनियत? अरे भाई, जुनूनियत ले लो, दीवानियत ले लो, स्टोरी दमदार होनी चाहिए। तो ऐसे में उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मेन लीड के चेहरों में भी उन्होंने विजेंद्रा को लिया है, जो इससे पहले भी तेरी मेरी डोरिया में अंगद का रोल कर चुके हैं। उनके अपोजिट जो है कृतिका सिंह यादव को लिया है, जो कि आपको लास्ट धर्म पत्नी जैसे शो कलर पर नजर आ चुकी हैं। ऐसे में जो है और भी चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर बात करें सपोर्टिंग रोल में जो है काफ़ी हद तक तेरी मेरी डोरिया के कलाकार नजर आएंगे। उसी के बीच में जो है एक नाम सामने आया है, जो कि आपकी गौरी टोंक यानी कि तेरी मेरी डोरिया में जसलीन का रोल करने वाली एक्टर्स जो हैं नए शो स्टार प्लस के जो हैं दीवानियत में नज़र आने वाली हैं। अब ये जो हैं क्या रोल करेंगी, बुआ का रोल करेंगी, माँ का रोल करेंगी, मौसी का रोल करेंगी, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। और जो है एक एक्टर्स का नाम सामने और आया है, आपकी अमित त्रिवेदी, जिन्हें आप कथा या फिर ये रिश्ता क्या कहलाता में जो है चौथी पीढ़ी में अभीरा की माँ का रोल करते हुए देख चुके हैं अक्षरा को। जब अक्षरा चेंज हो गई थी तो जहाँ पे नज़र आई थी आपकी प्यारी सी अमित त्रिवेदी, एक प्यारी एक्ट्रेस हैं, गॉर्जियस हैं, कहीं ना कहीं अभीरा के फेस से मिलती हैं। तो ऐसे में उनकी भी इस शो में एंट्री पक्की हो गई है। ऐसे में दीवानियत जो है शो एक जुनून होगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे पाना चाहता हूँ, तेरे लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो ऐसे में अगर बात करें इस बार शायद दो हीरो होंगे और एक हीरोइन होगी। अगर दूसरे हीरो की बात करें तो आपको विजेंद्र के अपोजिट जो नज़र आने वाले हैं, आँख मिचोली शो अगर आपने देखा होगा स्टार प्लस पे, तो उसमें जो मेन लीड में नज़र आए थे आपको जो नवनीत मलिक, वो इस शो का हिस्सा होने वाले हैं, वो आपको नज़र आएंगे। ऐसे में जो है खबर है कि नवनीत मलिक जो है शायद जो है विजेंद्रा की जो है पोजीशन को डाउन कर सकते हैं, क्योंकि नवनीत मलिक एक बेस्ट एक्टर हैं। भले ही उनके शो की टीआरपी इतनी अच्छी नहीं निकली थी, बट वो कह सकते हैं कि मासूमियत बहुत प्यारी है। अब ऐसे में विजेंद्र, नवनीत और आपकी प्यारी सी कृतिका सिंह, ये जब तीनों एक साथ टकराएंगे, कौन किसे पाएगा ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो ऐसे में आप कितने एक्साइटेड हैं दीवानियत शो को प्रोमो देखने के लिए, क्योंकि जल्दी ही आपके सामने प्रोमो आने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस शो को क्या टाइमिंग देगा स्टार प्लस। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।